खलारी प्रखंड के अम्बा टोंगरी उच्च विद्यालय में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रांची के सांसद संजय सेठ शामिल हुए। इस दौरान खलारी प्रखंड के 11 पंचायतों से संग्रहित मिट्टी सांसद संजय सेठ को सौंपा गया। इस मौके पर खलारी प्रखंड विकास पदाधिकारी लेख राजनाग, अंचलाधिकारी शिशुपाल आर्य के अलावा सांसद प्रतिनिधि फुलेश्वर महतो, विधायक प्रतिनिधि श्याम सुंदर सिंह, मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, अरविंद सिंह, भरत रजक, प्रीतम साहू, विकास दुबे, अनिल गंजू, कार्तिक पांडे, आनंद सिंह, दिलीप पासवान, शत्रुंजय सिंह, सिमी समार, जलेश्वर यादव, जिला परिषद सदस्य सरस्वती देवी, पुतुल देवी, पुष्पा खलको, तेजी किस्पोटा, मलका मुंडा, किरण देवी समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान सांसद संजय सेठ के द्वारा शिला फलकलम का उद्घाटन किया गया और विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। थोड़ा दूर से फोटो ले लीजिए, सब लोग आ जाएंगे। थोड़ा दूर से ले लीजिए, थोड़ा दूर से फोटो ले लीजिए। हो गया भैया? नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं इधर से। अब दिख जाएंगे। चलिए पीछे जी, पीछे जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश बलिदानों को याद करता है और मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम, क्योंकि हम कहते हैं अपने बलिदानों को, हमारा जो कर्तव्य है और देश ऋणी है ऐसे बलिदानों को, ऐसे शहीद, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आह्वान किया कि अपने अपने गांव, अपने 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 आंगन की मिट्टी, अपने खेत की मिट्टी, ऐसे लाखों गांवों की मिट्टी और देश के 7500 ब्लॉक की मिट्टी हम सब घूम घूम कर इकट्ठे कर रहे हैं। और जब 7500 ब्लॉक की मिट्टी देश की राजधानी दिल्ली जाएगी और वहां पर कर्तव्य पथ के बगल में अमृत वाटिका बन रही है, वो अमृत वाटिका इसलिए कि हमारा जो फर्ज है, हमारा जो कर्तव्य है देश के प्रति, देश के ऐसे वीरों के प्रति, और जब हम आने वाली पीढ़ी उन वीरों को, उन बलिदानी कर्मियों को याद करेगी, तो निश्चित रूप से आज हम सब आज यहाँ आकर सभी पंचायतों से मुखियागण, जनप्रतिनिधिगण मिट्टी इकट्ठा करके सौंप रहे हैं। इसके बाद ये रांची जाएगा, रांची में भी कार्यक्रम, फिर 29-30 अक्टूबर को दिल्ली में कार्यक्रम है। और शिलापट, वो शिलापट फलक है कि हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक में जो शहीद हुए, जो देश के लिए लड़े, देश के लिए कुर्बान हो गए, ऐसे लोगों का शिलापट लग रहा है ताकि वर्षों वर्षों तक, शताब्दियों तक हम उनका वंदन कर सके, उनका अभिनंदन कर सके। ये योजना, यह अभियान पूरे देश के हर गांव में, हर स्कूल में चल रहा है। और ये जो शिला फलक लगा है ये स्कूल में ही लगाना है। स्कूल में लगाने का औचित्य है कि आने वाली पीढ़ी, जो कल का भारत होगा, जो कल का झारखंड होगा, वो देख के देखेगा और याद करेगा, ये हमारे 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 गांव के शहीद है, ये हमारे गांव के वीर हैं, हमारे ब्लॉक के वीर हैं, तो उनको प्रेरणा मिलेगी। और ये अभूतपूर्व कार्यक्रम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। हम सब गांव-गांव जाकर मिट्टी